जितना इन परतों के अंदर चढ़ाते चले जाएंगे, ये परतें चढ़ाने वाला कोई और नहीं है। आप माया का नाम लेकर के बच नहीं सकते, आप परमात्मा का नाम लेकर के बच नहीं सकते, आप गुरु का नाम लेकर के बच नहीं सकते। कहाँ भागेंगे? कितने दिन आप अपने आप को धोखा देंगे? कितने दिन आप अपने आप का मन बहलाएंगे? कितने दिन आप अपने आप को इन शब्दों से संतुष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप अगर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो भाग रहे हैं, आप ध्यान से भी भाग रहे हैं, नाम से भी भाग रहे हैं, भक्ति से भी भाग रहे हैं, सुमरण से भी भाग रहे हैं। ये भागना होता है, ये जागना नहीं होता। जागना वो होता है जब आप रटना शुरू करते हो, जब आप मालिक के रास्ते के ऊपर चलते हो, जब आपके ऊपर सच्चे बादशाह की कृपा होने लगती है, जब आप सब कुछ उसके चरणों में समर्पण कर देते हो कि मेरा मुँह में कुछ नहीं, जो कुछ है तोर, जब सब कुछ उसी का हो जाता है, उसी के समर्पण हो जाता है, अपना कुछ नहीं रखते। लेकिन बड़े मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। मेरे पास शायद एक दो दिन पहले की ही बात है, एक महिला आई मेरे पास, उनकी आयु करीब 68-70 के करीब होगी। उन्होंने आते ही मुझे कहा कि मुझे भक्ति दे दो, परमात्मा दे दो, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, मेरे ऊपर कृपा कर दो, मुझे मोक्ष दे दो। मैं सोचा थोड़ी देर, अरे ये कहाँ से आ गई, ऐसे लोग तो कम ही आते हैं मेरे पास। मेरे पास तो लोग ज़्यादातर छोटे छोटे कार्यों के लिए आते हैं, ये कहाँ से आ गई। मैंने नज़र डाली उसके ऊपर, अंदर देखा मैंने, अंदर तो झंझावात मचा हुआ था, काम कुछ और आई थी, बोल गई कुछ और। मैंने कहा वो बोलो जो आप काम आए हो, वो मांगो जो मांगने के लिए आए हो। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, आज तो मैं बस लेके ही जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं देखा कि कहीं मैं गलत तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझे कुछ दिखा रहा है, ये मुख से कुछ बोल रही है। मैंने फिर कहा कि आप संसार के लिए आए हो, संसारिक वस्तुएं ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस भक्ति ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं भक्ति दे देता हूँ, लेकिन आपको भी एक काम करना पड़ेगा कि बोलो मैं भक्ति में दे दूंगा, लेकिन आज के बाद मेरे से कभी संसार मत मांगना, सांसारिक वस्तुएं मत मांगना, कभी भी भक्ति में दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है नहीं मांगूंगी। मैंने कहा पक्का? कि हाँ पक्का नहीं मांगूंगी, लेकिन जो मेरी लड़की है ना, उसकी लड़कियों को आप संभाल लो। मैंने कहा उनके वो ठीक नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा यही तो मैं बोल रही हूँ, वो बीमार हैं, उनको देख लीजिए। मैंने कहा था आपको कि संसार नहीं मांगना। उन्होंने कहा कि संसार कहाँ मांग रही हूँ, मैं तो उनकी भलाई के लिए ही मांग रही हूँ। मैंने कहा और बोलो। उन्होंने कहा मेरे लड़के के ऊपर भी थोड़ी नज़र डालो, वो भी आजकल ठीक नहीं चल रहा है। मैंने कहा मैं सोच रहा था कहीं आज मैं गलत साबित हो गया कि मैंने वैसे ही बोल दिया, लेकिन मैं गलत साबित नहीं हुआ, आपने मुझे सही साबित कर दिया। आप आज भी भक्ति और मोक्ष के लिए नहीं, केवल संसार के लिए आए हो। तो इस प्रकार से ये मांगना होता है हमारा कि एक चीज़ हमने पीछे छुपा ली, एक बोल दी, तो ये भक्ति का मार्ग नहीं है। आप सोच नहीं सकते साधना क्या चीज़ है। साधना केवल इस शरीर को साधना नहीं है, साधना अंदर की साधना है, बुद्धि को भी साधा जाता है, शब्द को भी साधा जाता है। और जब पांचवी अवस्था से आगे जीव बढ़ने लगता है,
फिर शुरुआत होती है। आप कहोगे कि ये कैसी शुरुआत है, इतना दूर जा करके कैसे शुरू होगा, हमारा तो प्लेटफॉर्म यही है। आपको अगर हमारे साथ चलना है, वहाँ पहुँचना है, तो आपको हमारा जहाज़ यहीं खड़ा मिलेगा और आगे आपको ले करके जाएगा, क्योंकि संतों की चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। संतों की चढ़ाई वहाँ से शुरू नहीं होती जहाँ से आप सोचते हैं, वहाँ से तो शुरुआत बहुत जन्म पहले करके आ चुके हैं। वो जब एक दृष्टि उठाते हैं तो सीधा उठा करके और सीधा श्वासों के ऊपर टिका देते हैं, सीधा अजप्या में आपका प्रवेश करा देते हैं। नाम रुकता ही नहीं है, आप सोते हो तब भी नाम नहीं रुकता है, जागते हो तब भी नाम नहीं रुकता है, ध्यान नहीं टूटता है। श्वास के ऊपर पकड़ इतनी मजबूत होती है कि कुछ चारों तरफ कुछ भी चल रहा हो आप महसूस तो कर सकते हैं, बोलते नहीं हैं, आप देख तो सकते हैं, आवाज़ नहीं निकलती है। लड़ना तो बहुत दूर की बात है भाई, जिद जिरे और तर्क तो बहुत दूर की बात है, हमें तो अपने श्वासों को पकड़ने से, नाम को सुनने से ही फुर्सत नहीं रहेगी। जब हमें नाम को सुनने से फुर्सत नहीं रहेगी तो ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात हो जाएंगी। आपको एहसास भी नहीं होगा साथ में कौन बैठा है, क्या कह रहा है। कुछ देर बाद आपको ये महसूस होगा आप किसी से बातें कर रहे हो, बातें करते करते ध्यान में चले जाओगे, आपको एहसास ही नहीं होगा आप हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो। कुछ देर बाद आपको एहसास होगा आपने क्या कह दिया, ये क्या कह रहा है, पता ही नहीं चलेगा। ये अवस्थाएं होती हैं। जब आप इस मार्ग के ऊपर चलोगे, ध्यान की शुरुआत करोगे, आपका एक एक मार्ग खुलता चला जाएगा। अगर आप इन रास्तों के ऊपर नहीं चलोगे, इसी प्रकार से संसार में भटकते रहोगे, तो आपके कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, बस बंजर की बंजर ज़मीन रह जाएगी। बंजर की बंजर ज़मीन यानी ये कोरा ज्ञान रह जाएगा, कोरा तर्क रह जाएगा, कोरी बात रह जाएंगी। लेकिन जब तक ये भक्ति रूपी बीज इस ज़मीन के अंदर नहीं बोओगे, अंकुरित कैसे होगा? जब तक अंकुरित नहीं होगा पेड़ कैसे बनेगा? पेड़ नहीं बनेगा तो अंदर से किस प्रकार से फैलाव होगा? जब तक फैलाव नहीं होगा कैसे चढ़ पाओगे? चढ़ोगे नहीं तो मोक्ष रूपी फल कैसे लगेगा? और आप इसी प्रकार से घूमते और भरमते भरमते इस संसार में डूब जाओगे, फिर आपका जन्म होगा, फिर वहीं शुरुआत होगी, फिर वही होगा। आप अगर संचय कर सको इस संसार में तो संचय करने योग्य केवल भजन है, संचय करने योग्य केवल सुमरण है, संचय करने योग्य केवल साधना है, संचय केवल करने योग्य केवल उसका नाम है, संचय करने योग्य केवल उसकी समाधि में जो आपको अनुभूति हुई है वो चीज़ें हैं। संचय करना है तो उसकी चढ़ाई का करो कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कहाँ से हमें शुरुआत करनी है, कैसे उसका दीदार हो, कैसे हमें अनुभव हो, कैसे सब अवस्थाओं को तोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, कैसे इन बंधनों को हमें तोड़ते हुए, इन बंधनों को काटते हुए ऊपर तक चढ़ना है। अगर हम ये बात सोचेंगे तभी उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अगर हम इस संसार में फंसे रहे, छोटी सी आयु है, क्या पता चले कब श्वास निकल जाए, एक पल का भी नहीं पता। आप सांसारिक कार्य खोजते रहे, देखते रहे, कार्य होगा तब करेंगे, दो कार्य होंगे तब होगा, ये आपका समय निकल चुका होगा। जब आपको एहसास होगा उम्र गुजर चुकी होगी और कुछ भी न कोई साथी होगा न कोई संगी होगा, क्योंकि बुढ़ापे में जब आप देखते हैं, जब आप अपने खुद के शरीर को नहीं संभाल सकते, आप ही दूसरे किसी के अधीन होगे, तो कौन आपका भजन करने में साथ देगा, कैसे आप भजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। भजन तो दूर की बात है, सुमरण भी नहीं होगा, अपने आप को संभाल ही नहीं पाओगे, कैसे भजन करोगे, कैसे सुमरण होगा? घूमते रहो, ऐसे ही चक्कर लगाते रहो, बार बार बाहर की पूजा पाठ करते रहो, जब तक अंदर से खोज शुरू नहीं होगी, हमारे सवाल नहीं बदली होंगे, हम भक्ति की तरफ नहीं बढ़ेंगे, कल्याण नहीं हो सकता।